गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोनू कुमार आप लोगों के बीच। आज बहुत खुशी की बात है कि पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग भी मनाए हैं, और इसी के साथ हम अपने पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। ओके, अब देखते हैं कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। बोर्ड पर देखिए, मानव नेत्र। ये जो मानव नेत्र है ना, इससे बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो उसमें हमेशा प्रश्न पूछे जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इधर देखते हैं मानव नेत्र। देखिए, मानव नेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई। क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र। सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारे प्रकृति ने इतने अच्छा शरीर दिए, इस शरीर में हम सभी लोग जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां में सबसे उत्तम जो प्रकृति ने हमें ये दिया है, ये दोनों आँख बहुत ही उत्तम है। और ये मतलब एक गोलक नेत्र है, मतलब गोलक है, गोल मतलब उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। एक गोलक क्या है? स्फेरिकल मिरर, जैसे गोलक नहीं कहते हैं, गोलक। ठीक, समझ में आ रहा है? तो देखिए, फिगर इतना मेहनत से बनाया गया है। देखिए, इसको अभी अभी फिगर बनाया है, बहुत ही टाइम लगा है। आप लोग बढ़िया से इसको देखिए, और देखिए ये आंख का चित्र है, दिखाई दे रहा है ना कि आंख का कितना बढ़िया चित्र है। अब इसको एक एक करके समझाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, और ध्यान से देखिए। देखिए, आते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस चित्र को, समझते हैं। ठीक, देखिए ये जो चित्र है ना, ये ध्यान से देखिए, यही है जो मेरा, ये दिखाई दे रहा है ना, यही ये मेन मेरा जो क्या है, नेत्र लेंस है। ये क्या है? नेत्र लेंस है। इसके आगे वाला जो भाग होता है उसको पुतली कहते हैं। ठीक, समझना है? इसके आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक, अब दूसरा देखिए, इसके जो आगे है इसमें द्रव रहता है। ये जो क्या है? श्वेत पटल जो है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं श्वेत पटल। नेत्र गोलक है, जो नेत्र को क्या किया है? गोल किया है। समझा रहा है? और इसके आगे क्या है? कर्निया है। ठीक, कर्निया जो है, बहुत से देखे होंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर जो होते हैं, मरीज को आंखें जब खराब होता है तो क्या दाम में देते हैं? कर्निया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कर्निया क्या कहते हैं? कर्निया को दाम में देते हैं। ओके, फिर देखिए इसके बाद पुतली को बता दिए। अब ये जो इधर का भाग होता है, जलीय द्रव या नेत्रोदक होता है। जलीय द्रव या नेत्रोदक होता है। ठीक, नेत्रोद, समझ में आ रहा है ना? और देखिए यहाँ पे होता है आयरिस। आयरिस, समझ रहे? आयरिस यानी उसको दूसरा नाम से परितारिका भी कहते हैं। देखिए यहाँ आयरिस है, ये जो इस हमारी आंखों को क्या करता है? पकड़ कर रखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना कि हम देखते हैं कि आइट साइड कभी कचरा आ जाता है हमारी आंखों पे, समझ रहे हैं बात को ना? कचरा जब आता है ना, तो ऐसे करके चाहे कपड़ा सब निकालते हैं, तो यही क्या है? आयरिस जो है इसको। आयरिस के बाद एक होती है सिलियरी मांसपेशी। देखिए ये जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक डोरा की तरह है, समझ में आ रहा है ना? डोरा की तरह है, वही क्या हुआ हमारी आंखों को पकड़ा हुआ है। अगर वे नहीं होता ना सिलियरी मांसपेशिया, तो हमारी आंखें कभी भी गिर सकती थी। समझ में आ रहा है ना? कभी भी नीचे गिर सकती थी। यही जो है सिलियरी मांसपेशिया, ये हमारी आंखों क्या पकड़ा हुआ है। इतना बात समझ में आ गया? और इसमें देखिए, ये इसमें जलीय द्रव तो बता चुके हैं। अब आते हैं कि इस आंख के भीतर होता क्या है। तो आंख के भीतर तो ये तो हमारा नेत्र लेंस हो गया, और ये जो भाग है ये क्या है? कच्चाव द्रव है। ये क्या है? कच्चाव द्रव। ठीक, समझा रहे ना? कच्चाव द्रव बने जो उजला टाइप का होता है, बहुत ही मतलब द्रव नहीं समझ रहे हैं कि मतलब पूरा पतला नहीं होता है, मतलब एक द्रव जैसे जमा हुआ दही के समझ लीजिए कि उजला होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दूसरा चीज आ जाते हैं, रेटिना। रेटिना समझ रहे हैं ना कि कभी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो समझ रहे हैं कि रेटिना पर कभी बन गया कभी आ गया, इससे बात आता है ना। तो ये देखिए आंख है ना, उसके ठीक पीछे, ठीक पीछे है, समझ आ रहा है? ठीक पीछे क्या है? रेटिना या दृष्टि पटल। इसको क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल। अब देखिए रेटिना के बीच में जो जगह है, नहीं रंगे हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, समझ आ रहा है ना? ये क्या है? कोलाइड यानी भूरे रंग की परत। ये परत जो है ना भूरे रंग की होती है, समझ आ रहा है ना? ये जो परत होती है भूरे रंग की होती है। ठीक, और ये क्या है? ये अभी बताया यहाँ पे नेत्र गोलक, लेकिन यहाँ का तो श्वेत पटल है, यानी जो हमारी आंखों के जो दिखते हैं ना। तो एक जो यहाँ तो कर्निया होता है, जो पुतली, ये तो जान ये किसी का देखे है ना,
कि बहुत गॉड गिफ्टेड होता है, चाहे जो भी होता है, उसका आंख भूरा रहता है। देखे होंगे बहुत से व्यक्तियों को, तो ये कहां से आता है? ये पुतली की वजह से होता है, जो हमारे किसी के आंख में काला रहता है, किसी के आंख में भूरा रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, इसको समझा रहे थे, कोलाइट नहीं, सॉरी एक मिनट, इसको रेटिना को समझा दिए हैं, इसको समझा दिए हैं, इसको समझा दिए। अब देखिए ये प्रकाश जो होता है कैसे पहुंचती है हमारे आंखों के, मैंने यहां से आकर ऐसे कैसे पहुंचती है। ठीक, देखिए ये जो प्रकाश है समयानियों या दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, कोई भी प्रकाश यहाँ से आया तो ये क्या होता है, तुरंत हमारा आंखों के ये जो अंतिम में होता है प्रतिबिंब बना लेता है। प्रतिबिंब बनाने के बाद क्या करता है, हमारे आंखों तक दिखाई दे देता है, हमें दिखाई दे देता है कि लाल है, पीला है, कोई व्यक्ति है ना, हमारे मैंने संसार में जो भी चीजें देख रहे हैं हम इसी वजह से देख रहे हैं। तो देख रहे हैं हमारे आंख का कितना फंक्शन है, हम लोग सोचते हैं कि एक आंख ही तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारी आंखों में बहुत तरह के प्रक्रियाएं हैं, उसमें बहुत से द्रव मिलकर बने हैं। कौन कौन से हमने इतना बताया, इसके बारे में आप समझेंगे आगे कि आंख का मैंने हम अपने आंखों को कैसे सुरक्षित रखें ना, एग्जाम से भी उसे मैंने इससे कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं बिहार बोर्ड में, ये आप समझेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, जब हम कभी बाहर से आते हैं धूप में से आते हैं तो क्या होता है, जब रूम में डूबते हैं तो क्या अंधेरा दिखाई देने लगता है, क्या होता है अंधेरा दिखाई देने लगता है, तो हम क्या कहते हैं कि क्या हो गया, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रकृति का आंखों का नेचर है। ऐसा क्या होता है ना कि जब हम धूप से निकल कर आते हैं तो हमारी आंखों क्या होती है, सिकुड़ जाती है, माने धूप में क्या होती है, सिकुड़ जाती है। अब जब रूम में आते हैं तो पहले से सिकुड़ी हुई है, इसलिए हमें अंधेरा दिखाई देता है, और थोड़ी देर बाद आस्ते आस्ते क्या होता है, उभरने लगता है। तो बोर्ड पर देखिए कि यही है परितारी का आइरिस, यहाँ से जो आंखों को क्या है पकड़ कर रखी है, तो सिलियरी मार्स है, लेकिन उसी से संबंधित क्या है, एक आइरिस है परितारी का, यही क्या करती है, सिकुड़ जाती है, यही परितारी का दूसरा नाम है आइरिस। ठीक, यही सिकुड़ जाती है ना, इसी कारण हमें अंधेरा दिखाई देता है, और रूम में से बाहर जाते हैं तो वहां भी दिक्कत होता है कि इतना धूप हो गया, होता है ना ऐसा। देखिएगा लोग, आप लोग महसूस कीजिएगा अपने निजी जिंदगी में कि विज्ञान जो है ना निजी जिंदगी से अगर जोड़ लीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझ में तो आ ही गया होगा कि आइरिस का काम है सिकुड़ना, यानी सामंजन क्षमता कम करना ज्यादा करना। समझन क्षमता का मतलब ही होता है कि माने हम कोई भी वस्तु देखे अनंत तक तो वह फैल जाता है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, हाथी को हम जब देखते हैं तो क्या होता है, आंखें अपनी माने सिकुड़ता है, हाथी को देखते हैं तो आंखें क्या होता है फैल जाता है, नहीं सिकुड़ता है, सॉरी सिकुड़ता है। जब चींटी को देखते हैं, चींटी को, तो आंखें क्या होता है हमारा फैलने लगता है कि इतना छोटा देखना है, तो क्या होता है बहुत गौर लगाना पड़ता है, यानी जोर लगाना पड़ता है कि कौन सा काम कर रहा है, आइरिस यानी परितारिका कर रहा है, यही कर रहा है। ठीक, अब हम तो एक पहले बातें हम बता चुके हैं पहले में कि ये जो आंखें जो है कैमरे की भांति काम करता है, जैसे कैमरा चालू करते हैं वैसे क्या होता है फिल्म पीछे बन जाता है, इसीलिए जब आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तो पिक्चर क्या होता है रेटिना पर बन जाता है। तो जब एग्जाम में मैंने पूछे कि जब कोई वस्तु को देखते हैं तो उसका फोटो कहाँ बनता है, तो लिख दीजिएगा रेटिना पर, जहां ऑप्शन में होगा रेटिना पर वहां टिक कीजिएगा, एक नंबर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। देखिए अब हम देख जानेंगे कि इसमें आंखें में बहुत सारे दोस्त होते हैं, तीन तरह के। ठीक, तीन तरह के दोस्त होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि, एक होता है जारा दृष्टि। तो तीनों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, पहले जान जाएं कि दोष होता क्यों है, हमें आखिर ये दोष आया कहां से। देखिए जब भी हम किसी वस्तु को देखिए अभी हमने दोष की चर्चा किया था कि तीन दोष होते हैं, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, दूर को कहते हैं दीर्घ दृष्टि, और जरा दृष्टि। तो एक एक करके हम समझेंगे, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं बात कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए सबसे निकट 25 सेंटीमीटर होता है। सबसे निकट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो स्पष्ट देख लेंगे, लेकिन 25 से अंदर रखेंगे तो देखिए सबसे निकट देखने के लिए क्या होता है, 25 सेंटीमीटर निकट, सबसे निकट। समझ रहे हैं,
सबसे निकट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर और अनंत देखने के लिए तो अपार होता है करोड़ों अरब, क्योंकि हम रात को तो चांद को दिन में सूरज को भी देख लेते हैं तो अनंत है, और जिसको नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब समझ उसको दृष्टि दोष हो गया है, और 25 सेंटीमीटर तक जिसको नहीं दिखा रहा उसको भी दृष्टि दोष हो गया है। समझ में आ रहा है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, और मानो आई है ना ये पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे निजी जिंदगी का स्वयं सभी के वुमेन्स में आँख का है और उसका प्रयोग हम डेली करते हैं। अगर ये ना रहे तो समझ लीजिए पूरे दुनिया अंधेरा हो जाएगा। इसलिए फिर अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी दोष है ना तीन प्रकार के होते हैं, देखिए फिर से बता देते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और ज्यादा दृष्टि दोष। इसको इतना अच्छे से अगले वीडियो में डिफाइन किया जाएगा पार्ट टू में, कि आप देखते एकदम रहेंगे कि वाह क्या बताया सर। और वो परीक्षा में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में बहुत उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम मैंने अगले वीडियो में क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, और आपको दिखाएंगे भी कि कौन सा व्यक्ति कैसे चश्मा पहनते हैं, बूढ़े कौन सा चश्मा पहनते हैं, बच्चे में कौन सा दोष हो जाता है 10 से 16 साल के अंदर। तो फिर इसलिए फिर कहेंगे एक बार कि इस चैनल को KBS कोचिंग चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।